लेट अस थिंक लाइक दिस, ये एलिस है, ये बॉब है, जस्ट राइट एलिस एंड बॉब. ये इसने एनक्रिप्ट किया यूजिंग अ की के. नाउ दिस के शुड बी नोन टू बॉब, बट इफ अभी ये एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इफ ही कैन सेंड दिस की सिक्योरली टू बॉब, तो वो सीधा मैसेज ही क्यों नहीं भेज दे. इधर एक अटैकर है ईव, देयर इज एन अटैकर ईव हियर. ओके, नाउ इफ ही कैन सेंड दिस की टू दिस पर्टिक्यूलर रिसीवर दैट इज बॉब सिक्योरली विदाउट डूइंग एनीथिंग, वाई कांट ही सेंड द मैसेज इंस्टेड. की के बोले सीधा मैसेज नहीं भेज दो ना, तो ये सब कहानी खत्म हो जाए. डायरेक्टली ये की हम लोग शेयर कर सकते हैं. द आंसर इज वी कैन नॉट सेंड दिस की डायरेक्टली, क्योंकि अगर मैंने ये चैनल पे कभी भी की डाली है, इफ आई हैव ट्रांसफर्ड द की यूजिंग द चैनल, दैट मीन्स द की इज कॉम्प्रोमाइज. आई हैव टू अज्यूम दैट. ओके, सो फॉर सॉल्विंग दिस पर्पस वी हैव समथिंग कॉल्ड एज की एक्सचेंज एल्गोरिथम. We have something called as key exchange algorithm. Diffie Hellman, two mathematicians ka naam hai, they had developed this particular, so they are not computer scientists, they were mathematicians, okay? And that concept was taken for the use of security purpose. Theek hai? Ab, let us understand this particular algorithm. We have understood why do we use this algorithm. We use this algorithm to exchange our key. Now let us understand this algorithm. What we are doing is, we are just understanding how is it happening. Okay. So, kya hota hai wo dekh. So, there are two people, Alice and Bob. I'll just write Alice and Bob. Alice and Bob. Now, Alice wants to give a key to Bob. एक उसको की देना है बॉब को. ओके, अभी क्या हो रहा है समझो. Alice first, मैंने एक एनालॉजी लिया है, एक्चुअली ये नहीं हो रहा है, पर मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ. We'll understand with that color, analogy of color. There is Alice, Bob and Eve. Okay? Alice wants to send the key to Bob. And Eve is in middle, who is the attacker. सबसे पहले क्या करता है, एलिस एक कलर सिलेक्ट करता है एंड सेंड्स इट टू बॉब. अभी जो रेड कलर है, बिकॉज ही हैज सेंड इट टू बॉब, अटैकर ऑल्सो नोज कि रेड कलर किसने भेजा था. ठीक है, नाउ वॉट एलिस डज इज, एलिस सिलेक्ट अ प्राइवेट कलर. प्राइवेट कलर का मतलब है वो ये कलर बॉब को नहीं भेजेगा. ठीक है, एंड बॉब ऑल्सो सिलेक्ट द प्राइवेट कलर. तो अटैकर को ये कलर्स पता है क्या? ये जो ग्रीन और ब्लू कलर है वो अटैकर को पता है क्या? व्हाई डजंट द अटैकर नो? क्योंकि ये नेटवर्क पे कभी आया ही नहीं. ओके, नाउ व्हाट एलिस डज इज, एलिस मिक्सेस हिज पब्लिक कलर विद द प्राइवेट कलर. तो रेड प्लस ग्रीन क्या बनता है? ब्राउन. ठीक है, रेड प्लस ग्रीन क्या बन जाएगा? ब्राउन कलर. सिमिलरली बॉब ऑल्सो मिक्सिस द पब्लिक एंड प्राइवेट कलर. तो रेड एंड ब्लू बिकम पर्पल. अभी ये जो नया कलर बना है, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं. मतलब ब्राउन कलर गोज टू बॉब. अगर ब्राउन कलर बॉब के पास गया है, मतलब अटैकर के पास भी आ गए. यस और नो? पर्पल कलर गोज टू एलिस, एंड इफ दिस पर्पल कलर इज सेंट टू एलिस, द अटैकर ऑल्सो हैज दिस पर्पल कलर. ओके, नाउ फाइनली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डस एलिस एंड बॉब फाइनली डू. दे मिक्स it with their private color. They mix
the received colors with the private color. अब तुम देखोगे तो purple was formed from red plus blue. And what is red plus blue plus green? मैं देखो इधर लिख रहा हूँ. This was nothing but red plus blue. And red plus blue plus green will give me black, RBG. Similarly, ये green है ना? Similarly, what was brown? Brown was red plus green. And red plus green plus, अच्छा ये गलत किया. This should be blue. Just a second. Yes. So red plus green was brown. And red plus green plus blue again becomes RGB is black. So now if you see, both Alice and Bob have something common shared between them, which is the black color. And that black color, becomes the key. अब आगे जो भी कम्युनिकेशन करना है एलिस और बॉब को वो इस ब्लैक कलर से इनक्रिप्ट करके करें. देखो अटैकर के पास तीन चीज है, रेड, ब्राउन एंड पर्पल, बिकॉज वही चीज एक्सचेंज हुई है ओवर द नेटवर्क. नाउ द क्वेश्चन इज कैन अटैकर फिगर आउट द ब्लैक कलर विथ दिस थ्री कलर. सो द ओनली वे टू अटैकर टू नो इज वो उसको ब्राउन में से रेड सब्ट्रैक्ट करना, राइट. क्योंकि अगर ब्राउन में से अगर उसने रेड सब्ट्रैक्ट कर लिया तो उसको ये ग्रीन कलर पता चल जाए. मतलब अगर ब्राउन में रेड माइनस कर दिया तो उसको उसका प्राइवेट कलर ग्रीन मिल जाए. एंड जस्ट देन एंड फाइनली हैज टू ऐड दैट ग्रीन कलर टू पर्पल. बट द इट इज नॉट एक्चुअली कलर. You have to understand this. Whenever we are dealing with this particular technique, it is not color. And ऐसा mathematics यहाँ पे हम लोग use कर रहे हैं. We are using such mathematics that extracting green from brown is impossible. Extracting green from brown is impossible. It is not impossible. We'll see the mathematics, but it is very difficult. And that difficulty of computation makes this particular algorithm very much secure for sharing the key. So now let us start with the mathematic part of this particular algorithm. Again, let us consider Alice, Bob and the attacker. So let me take two public numbers now, and those numbers are prime numbers. Uske baad kya hota tha? ये प्राइम नंबर जो पब्लिक कलर था, आई एम सेंडिंग इट टू द अदर साइड ऑल्सो. अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, दिस पी एन क्यू विल ऑल्सो बी विथ अवर अटैकर. बोथ ऑफ देम सिलेक्ट अ प्राइवेट कलर. सो बोथ ऑफ देम नाउ विल सिलेक्ट अ प्राइवेट नंबर. दैट प्राइवेट नंबर फॉर एलिस इज आर एंड फॉर बॉब इज एस. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी मिक्स्ड द पब्लिक कलर विद द प्राइवेट कलर. Now the next step is we mixed the public color with the private color. So what we do is, how do we mix two numbers? So all we do is we run it through a function. हम लोग एक function के through run करते, ठीक है? Now that function along with p and q and r is passed inside this function and it results into number x. वो फंक्शन क्या है वो मैं बताता हूँ. ओके, सिमिलरली पी एंड क्यू इज पास्ड थ्रू अ फंक्शन अलोंग विथ एस टू फॉर्म अ नंबर वाई. सो एक्स एंड वाई विल बी एक्सचेंज, करेक्ट. एक्स इज सेंट ओवर बॉब एंड वाई इज सेंट टू एलिस. व्हेन दिस एक्सचेंज हैपेंस, एक्स और वाई का वैल्यू अटैकर के पास भी आ गया. Correct. Yes. Now, finally, the same function which was originally used is again used. Correct.
हम लोग क्या कर रहे थे, जो रिसीव्ड कलर था उसमें अपना प्राइवेट कलर मिक्स कर रहे थे और की बना रहे थे. तो जो रिसीव्ड कलर था उसमें हमारा प्राइवेट कलर इस फंक्शन में डालना है और एक नया की बनाना है. नाउ द फाइनल थिंग इज व्हाट इज दैट फंक्शन, एग्जैक्टली व्हाट इज दैट फंक्शन. वो जो मिक्स कर रहे हैं वो कैसे मिक्स हो रहे हैं. सो हाउ डू वी जनरेट x? x इज इक्वल टू p raised to r mod q. Similarly, how do we generate y? y is p raised to s mod q. p raised to s mod q. Similarly, ये k कैसे generate हो रहा है? It is the same thing. We are mixing y with r now. So y raised to r mod q. And other side, on the other side, k is x raised to s mod q. So x आया है raised to s mod q. Okay? Now, these two should be mathematically equivalent, right? तो ही तो दोनों साइड कॉमन चीज k होगी. Correct? Now, the question is, how are they mathematically equivalent? Are these two numbers mathematically equivalent? If they are mathematically equivalent, then only the k is equal on both the sides, right? If they are not equivalent, our entire system fails. So when I substitute y, what was y? Y was p raised to s mod q. Correct? So this is what is the final equation becomes. P raised to s raised to r mod q. And when I substitute x on this particular side, let me erase everything again. When I substitute x with p raised to r mod q, what do I get? I get p raised to r raised to s mod q. So are these two equivalent? The equation that you see on the left side and the on the right side, are those two equivalent? Yes, they are equivalent. Ek aur question aana chahiye. कि जैसे हमने बोला था इन द एनालॉजी दैट द अटैकर कैन नॉट सेपरेट कलर्स. नाउ लेट अस टेस्ट इट हियर फर्स्ट. ओके, एंड देन आई विल गो वाई प्राइम. कैन, ओके, सो फ्रॉम एक्स वाई पी एंड क्यू, फ्रॉम एक्स वाई पी एंड क्यू, कैन आई जनरेट आर और एस? The attacker has these four numbers. Now, can he generate R and S? So what happens is, let me assume that I have the value of X. So I have this value, X. So I have this value. Let me erase everything. I have X ka value. I have P ka value. And I have Q ka value as an attacker. All I have to do is get the value of r. Okay, but while finding the value of r, what will happen is I'll get multiple answers for r. So there will be no single unique solutions, but there will be a set of solutions, and that set is of infinite numbers. I'll have the value of r, but there is no unique value of r. There will be multiple r's. Okay, just because we have modded it with some number. So because of the mod, what does mod do? It makes the equation periodic. So after every q numbers, the same numbers repeat. So for same value of x, p and q, there will be different values of r. Now the question, why prime numbers? Because extracting values of R becomes very difficult if two large prime numbers are divided. Okay,